ऐसा है जी, हजारों वर्षों से दलित समाज के लोग अभी तक गैर बराबरी के बराबर में नहीं आ पाए, इसके लिए ये एक्ट बनाया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन आज तक अभी तक हम लोग बैकलॉग की नौकरी की बात करें तो वो पूरी नहीं हुई देश के अंदर। आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, अभी भी मेहनत मजदूरी करने वालों को मेहनत मजदूरी नहीं मिल रही है, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। अगर आरक्षण खत्म करना ही है तो इससे पहले पहले समान शिक्षा करें, समान चिकित्सा करें, फ्री चिकित्सा और फ्री शिक्षा करें। एक तरफ तो आप समानता की बात करते हो, एक तरफ असमानता की बात करते हो। हम लोगों के साथ छल कपट की नीति के साथ ये वर्षों से होता आया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई और आरक्षण बराबर चल रहा है, इतने नाम से चल रहा था, इनको हटाने की जरूरत क्या थी भाई। हमारा कोई वर्षों से हम लोग अभी तक गैर बराबरी में, अभी भी हमारे लोग फुटपाथ पर सोते हैं, अभी भी हमारे लोगों के लिए ना रोटी ना कपड़ा ना छत, सब सर छुपाने के लिए छत है। तो आज भी हमारे लोग भूख प्यास से तड़पड़ाते हैं और इन लोगों ने हमसे वोट लेने के बाद हम नहीं के साथ अत्याचार करने का काम करते, उसी भारत की जनता के साथ। हम लोग तो मूल निवासी है देश के। अगर हम लोग, अगर आप आरक्षण की बात करते हो तो आरक्षण खत्म करने की बात करते, तो कम से कम समान आरक्षण करो। एक बार देश का प्रधानमंत्री अगर दलित समाज का हो तो एक बार बैकवर्ड का होगा, तो एक सामान्य का होगा, इसमें भी आरक्षण करें आप, तब तो बात समझ में आती कि आपकी नीति रीति सही है। लेकिन आप वहाँ कोई आरक्षण नहीं है, बाकी जगह आरक्षण, तो आरक्षण उसको भी खत्म करना चाहते हो आप। लेकिन घनश्याम जी, आप ये समझते हैं कि पूरे बहुजन समाज को टुकड़ों में बांट दिया है ना, कोई कोरी, कोई कोली, कोई जाट, कोई चमार, कोई खटी, कोई वाल्मीकि, ये तो तरह तरह के, ये तो पहले ही से हुआ ना, पहले ही से उन्होंने इन्होंने पहले इस देश के अंदर एक जाति के लोग रहते थे, द्रविड़ जाति के, धर्म बौद्ध धर्म था। इन्होंने बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ आके वर्ण व्यवस्था बना दी और वर्ण व्यवस्था के बाद उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बना दिया, उसके अति शूद्र बना दिया। अति शूद्र बनाने के बाद उन्होंने 6743 जातियाँ बांट दिया, तभी तो वो राजपाट कर रहे हैं और वही उनकी मानसिकता है, वही चलाना चाहते हैं। वो तो धन्य महात्मा फुले को, तो उन्होंने शिक्षा की जोत जला दी, पढ़ना लिखने का अधिकार नहीं था, धन संग्रह करने का अधिकार नहीं था, धन संग्रह के साथ साथ अगर रक्षा सुरक्षा के लिए औजार हथियार वो भी नहीं था, मेहनत की मजदूरी के बदले में तो झूठा खाना मिला करते थे। तब जब ऐसी स्थितियों में हम लोग, आपको लगता है कि जब 2 तारीख को पूरा भारत बंद हुआ था तो सारा बहुजन समाज एक हो गया जी, तो इस तरीके के जिस समय एक होकर सब लोग इकट्ठे होंगे तो ये सरकार को झुकना पड़ेगा? नहीं, सरकार को झुकना भी पड़ेगा और ये सरकार यहाँ से चली जाएगी। सरकार अगर वो 2019 तक ये दलित समाज को, इन्होंने तो कंकड़ मारने का काम किया है, तालाब में कंकड़ मार दिए, तरंग उठी है तो समुद्र किनारे जाके बैठेगी। कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ कहते हैं, करनी कतनी में अंतर है ना उनका, तो उनका तो करनी कतनी में अंतर है, कहते कुछ है करते कुछ है, दिखाते कुछ है देते कुछ है, ये उनका शुरू से ही फॉर्मूला। उन्हें सरकार चलानी नहीं आती है, सरकार का तजुर्बा ही नहीं है उनको, वर्षों से सरकार में कभी रहे ही नहीं है। इंसान जी, आप इस आंदोलन को लेकर आगे की मुहिम क्या रहेगी आपकी? आगे हमारा निरंतर तक चलता रहेगा जब तक ये SC ST आयोग का आरक्षण का जो पुनः वापस नहीं लेते हैं, एज ए टीज नहीं करते, जब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे बराबर। हमारी स्वतंत्र पार्टी भी इसके साथ है कि भाई ये आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। और हमारा तो ये भी है कि इस देश के अंदर समान शिक्षा के साथ साथ वोटर पेंशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, और विधायक निधि सांसद निधि खत्म करो, उससे भी हमारा आतंक बढ़ता है, उससे भी ज़्यादा काम करने वाले लोग आगे नहीं आ पाते हैं। धन्यवाद।